व्हाट्सअप गाइस, एक रोनाल्डो से रिलेटेड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड वीडियो है कि उनका जो बेटा है वो अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। मतलब कि रोनाल्डो का बेटा करता है ऐसे ऐश, हाउ रोनाल्डो सन लिव्स, अर्थ एडवेंचर्स इन हिंदी चैनल से वीडियो है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अमेजिंग वीडियोज होती है इनके चैनल पर, जरूर चेकआउट करना और मजा आने वाला है, क्योंकि अब एक इतना पैसा होता है रोनाल्डो के पास और उसका बेटा कैसी लाइफ स्टाइल जीता होगा सब जानना चाहते हैं, तो साथ में देखते हैं गाइस। और कमेंट करके बताना कि आपको भी ऐसी जिंदगी मांगता है या फिर आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस वीडियो में से। और रेडी सेट एंड गो। दिस इज हाउ द सन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाइव्स एडवेंचर। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के अमीर लोग होते हैं। एक तो वो जो फर्श से अर्श तक का सफर खुद तय करके बुलंदियों को छूते हैं, और एक वो जो अपने सक्सेसफुल और अमीर पेरेंट्स के पैसों पर ऐश करते हैं। दोनों ही तरह के अमीर लोगों की जिंदगी अलग अलग होती है, क्योंकि अपने कमाए हुए पैसों में नशा होता है और खानदानी पैसों में मजा। तभी तो बाप की कमाई दौलत को उड़ाने में किसी को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, और यही कारण है कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर विल स्मिथ तक के बच्चों की लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं, जो पक्का आपके होश उड़ा देंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर। दोस्तों, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। सेकंड हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर और कई सारे नौजवानों की इंस्पिरेशन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और इस चीज का सबूत इनके 243 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दे देते हैं। ऐसे में दोस्तों, 33 साल के ये सुपरस्टार सॉकर प्लेयर इस समय लगभग 450 मिलियन डॉलर के मालिक हैं, और ये सब कुछ इनके 64 मिलियन डॉलर पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत है। इसके अलावा इन्हें कई सारी कंपनी से स्पॉन्सरशिप में मिलती है, जैसे कि ईए गेम्स और नाइके वगैरह। यहाँ अकेले नाइके के साथ काम करने में इन्हें लाइफ टाइम 1 बिलियन डॉलर इनकम होगी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितने ज्यादा अमीर है। पर वहीं दूसरी तरफ इनके बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर, जो मात्र 10 साल के हैं, वो इन सब चीजों का फायदा बड़े आराम से उठाते हैं, क्योंकि अगर आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में पढ़ा हो तो उनका बचपन इतना ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने बेटे को हर वो खुशी देने की कोशिश की है जिसका हम और आप केवल सपना ही देख सकते हैं। जहाँ इसी साल इस 10 साल के बच्चे ने अपने फादर के साथ 6.2 मिलियन डॉलर के विला में शिफ्ट किया है। दोस्तों, मात्र 5 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो जूनियर अपने फादर के नक्श कदमों पर चलने लगे हैं। वो अपने फादर की तरह ही फुटबॉल खेलते हैं, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई में एक बेहतर फुटबॉलर के बेटे होने का असर इन पर काफी बेहतर तरीके से पड़ा है। और हम सिर्फ ये कल्पना ही कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये अपने फादर जैसा ही नाम करेंगे। कोराउन मेवेदर। दोस्तों, अनडिफीटेड होना कोई आसान काम नहीं है। यकीन नहीं होता तो फ्लॉयड मेवेदर जूनियर से पूछ लीजिए, जिन्हें 50 प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच जीतने के लिए जाना जाता है, और अभी भी ये किसी को भी हराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर लगता है लोगों के चेहरे पर मुक्का मारना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तभी तो अपने इस प्रोफेशन से आज ये मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई भी है, जहां इन्होंने जिम फ्रेंचाइजी खरीदी है और बॉक्सिंग प्रमोशन कंपनी के साथ कई एंडोर्समेंट डील से ये काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इसी की वजह से आज ये 580 मिलियन डॉलर के मालिक हैं। पर अगर हम इनके बेटे कोराउन की बात करें, तो इन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स को अपने पिता के हवाले कर दिया और अपने म्यूजिक करियर पर फोकस कर रहे हैं। तभी तो ये उभरता हुआ म्यूजिशियन अपने म्यूजिक वीडियोस खुद ही प्रोड्यूस करता है, और किसी भी रैपिंग वीडियो में महंगी महंगी सोने की चैन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इन सभी का खर्चा ये अपने पास से तो देते नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि इनके इस म्यूजिक करियर में इनके अमीर फादर के पैसों का बड़ा हाथ है, और इसी वजह से ये ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये तो है। ब्रुकलिन बेकहैम। अब दोस्तों, आप इनसे भी मिल लीजिए, जो इंग्लैंड के फेमस सॉकर प्लेयर डेविड और मशहूर सिंगर विक्टोरिया के बेटे हैं। हालांकि इस समय ये 21 साल के हैं और अपने आप को भी अपने माता पिता जितना मशहूर बनाने में तुले हुए हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स 450 मिलियन डॉलर से ज्यादा के मालिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके इस कमाई का फायदा तो उठाएंगे ही उठाएंगे। इस समय ब्रुकलिन बेकहैम मॉडलिंग और फोटोग्राफी में अपना करियर बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि मॉडलिंग में तो ये फिर भी ठीक है और इन्हें एक मॉडल के तौर पर जाना भी जाता है, लेकिन जब बात फोटोग्राफी की आती है तो ये अभी भी इस फील्ड के कच्चे खिलाड़ी कहे जाते हैं। पर हमें यकीन है कि अपने पेरेंट्स की दौलत का फायदा उठाकर ये अपने कच्चे खिलाड़ी वाले टैग को जल्द ही हटवा देंगे। क्यों दोस्तों, सही गाना हमने।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिंदगी में पैसा वाकई में इतना जरूरी होता है कि सभी चीजें उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं, या फिर आपका पैसों के बारे में कुछ और सोचना है? आपका जवाब जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, हम आपका जवाब देखने के लिए पढ़ने के लिए बेताब हैं। तो लिख डालिए ब्रूनी जेम्स। दोस्तों अगर आप बास्केटबॉल के फैन हैं तो आपको लिब्रोन जेम्स के बारे में पता होगा। जी हाँ, ये वही अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है जिन्होंने अकेले $300 मिलियन की सैलरी कमाई है। उसके अलावा तरह तरह के एंडोर्समेंट ब्रांड जैसे नाइके, स्प्राइट, इंटेल करके इन्होंने आज कुल $450 मिलियन की संपत्ति बनाई है। क्या बात है? पर जितना ही पैसा इन्होंने कमाया है उसी तरह की लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का भी इन्हें बड़ा शौक है, और सेम आदत इनके बेटे ब्रूनी जेम्स को भी है, जिन्हें न सिर्फ बास्केटबॉल पसंद है बल्कि ये अपने पिता की तरह लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के भी बड़े शौकीन है। इसी वजह से तो 16 साल के ब्रूनी जेम्स बास्केटबॉल स्कॉलरशिप भी जीत चुके हैं और करीब $10 मिलियन के अकेले मालिक हैं। शरीफ ओ नील। दोस्तों शकील ओ नील 7 फुट 1 इंच के अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, जिन्हें अपने निडर खेल के लिए काफी जाना जाता है, जहां इन्होंने अर्ली 90s में अपना खेल स्टार्ट किया था और 2 दशकों तक बास्केटबॉल के सफल प्लेयर के रूप में खेलते रहे। इसी के साथ ये हिस्ट्री के हाईएस्ट पेड बास्केटबॉल प्लेयर्स में से भी एक बने। ये माना जाता है कि इन्होंने $700 मिलियन अपने पूरे करियर में कमाए हैं और इस समय इनकी नेटवर्थ $450 मिलियन है। अब अपनी रिटायरमेंट के बाद ये काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तभी तो इन्होंने अपने बेटे के 16वें बर्थडे पर उसे एक नहीं बल्कि 2-2 लग्जरियस गाड़ी गिफ्ट की। ये तो कुछ भी नहीं है। शरीफ ओ नील अपने फादर के पैसों पर बड़ी गजब की लाइफस्टाइल जीते हैं। जेडन स्मिथ। दोस्तों इन जनाब का इंट्रोडक्शन देने की हमें तो नहीं लगता कि कोई जरूरत है, क्योंकि विल स्मिथ की शक्ल देखकर ही लोग इनकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में करियर की शुरुआत करने वाले विल स्मिथ ने रैपिंग से लेकर कॉमेडी टीवी तक की हर एक चीज में अपना करियर बनाया है, और इसी वजह से आज इनकी कुल संपत्ति $400 मिलियन के आसपास है और इनकी वाइफ भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। ऐसे में दोस्तों विल स्मिथ के सबसे बड़े बेटे जेडन स्मिथ अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए एक्टिंग और म्यूजिक दोनों में ही अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको जैकी चैन की कराटे किड मूवी तो याद ही होगी, उसमें कोई और नहीं बल्कि जेडन स्मिथ ही तो थे। अब भले ही बचपन जितने क्यूट ना लगे, लेकिन अपने पिता के पैसों पर ऐश करना इन्हें बखूबी आता है। हालांकि एक एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, पर जिस हिसाब की ये लाइफस्टाइल जीते हैं वो अकेले इनकी एक्टिंग इनकम से तो नहीं आती होगी। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो पा रहा तो इनके कस्टमाइज कपड़ों पर जरा नजर डाल लीजिए, जिन्हें एक यंग एक्टर के लिए खरीद पाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। बिल्कुल भाई, अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। आमिर टायसन। अब बारी है दुनिया के सबसे मशहूर बॉक्सर्स में से एक माइक टायसन के बेटे की, क्योंकि माइक टायसन ने अपनी जिंदगी में जितनी शोहरत कमाई उतनी ही दौलत कमाई। एक समय था जब इनके पास करीब $685 मिलियन हुआ करते थे, लेकिन उस दौलत को संभाल न पाने के कारण एक समय ऐसा भी आया कि माइक टायसन बैंक करप्ट हो गए, पर इन्होंने वापस से कमबैक किया और एक सक्सेसफुल इंसान बनने की रेस में वापस से लग गए। हालांकि इस समय इनकी नेटवर्थ करीब $3 मिलियन है, और दोस्तों आमिर टायसन माइक के 7 बच्चों में से एक है जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाकर डिग्री ली और जर्नलिस्ट की पढ़ाई पूरी की। जब इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली तो खुद का फैशन ब्रांड शुरू कर दिया जिसका नाम डेबोनियर अटायर है, जिसके बाद ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए और बहुत कम समय में इन्होंने करीब $5 लाख की संपत्ति अपने नाम कर ली। और जिस हिसाब से इनका ब्रांड चल रहा है उसे देखकर हमें लगता है कि आने वाले समय में ये अपने ब्रांड को और ज्यादा बुलंदियों तक ले जाएंगे। जोसेफ बायना। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जहाँ जोसेफ की जिंदगी 2010 तक बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ये तब बदल गई जब अर्नोल्ड स्विज़नेगर ने मीडिया के सामने ये कन्फेस किया कि इनका अफेयर इनकी हाउसकीपर के साथ भी था और जोसेफ इन्हीं के बेटे हैं। अर्नोल्ड के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह इन्होंने बॉडी बिल्डर से लेकर एक्शन हीरो तक का सफर तय किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं ये कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। अपने पूरे करियर में इन्होंने करीब $400 मिलियन की संपत्ति कमाई, जो कि वाकई में गजब की होती है, और अभी भी ये एक्टर के रूप में काम कर रहा है। इसी वजह से इन्होंने अपने इस नए नवेले बेटे जोसेफ को भी एक्टिंग फील्ड में आने का मौका दिया है।
और इसी वजह से एक नौकर के बेटे ने डायरेक्ट एक मशहूर एक्टर के बेटे का सफर तय किया जो कि काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अपने पेरेंट्स के पैसों पर ऐश करने वाले बच्चे जिंदगी जीते हैं। हालांकि इस तरह की जिंदगी जितनी दूर से अच्छी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है, इसलिए नसीब वालों की जिंदगी पर ध्यान देना छोड़कर उनकी जिंदगियों पर ध्यान दीजिए जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। बिल्कुल सब्सक्राइब करना। और अमेजिंग, पहली बात तो आज बच्चे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉय तभी कर पा रहे हैं जब उनके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, 24/7 इतनी मेहनत कर रहे हैं। चाहे रोनाल्डो हो, चाहे माइक टायसन हो, चाहे विल स्मिथ हो, इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करी है, इतना खून पसीना बहाया है कि मतलब आज वो लेवल, और इतनी, क्योंकि अब एग्जाम्पल रोनाल्डो का ले लो, करियर में ऐसी स्टेज भी आई थी जब हम बायोग्राफी देख रहे थे कि मतलब कि डॉक्टर ने कह दिया या तो इसका ऑपरेशन हो या फिर छुड़वा दो, फिर ऑपरेशन कराया, सर्जरी करवाई थी तब जाके, और इतनी मेहनत लगी, चाहे एक्टर हो चाहे स्पोर्ट्समैन हो अपनी अपनी फील्ड में, एक्टर है तो पूरी पूरी रात जगना पड़ जाता है उनको शूटिंग के लिए, एक टेक के लिए भी, हर फील्ड में। अब वैसे ही आज इन्होंने मेहनत करी तभी इनके बच्चे, आज इतनी ऐश कर पा रहे हैं। और क्या बोलते हैं वो, ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है किड्स को कि हाँ अगर हमारी दो पिक्चर फ्लॉप या दो गाने फ्लॉप हो गए या दो चीज खराब हो गई तो हमारे फील्ड में पैसा है, ये चीज। लेकिन माइक टायसन बैंकरप्ट हो गया था इतना पैसा होने के बाद भी, लेकिन उसके लड़के ने संभाला, मतलब वहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि मतलब बेटे ने संभाली, ये चीज है। और मैं यही कहना चाहूंगा, बेटा भी छोटा है ना, हाँ है, और प्लस वो भी होता है ना कि मैंने वो लाइफ देखी तो मेरा बच्चा वो देखे, वही चीज है। और भाई पैसा है बिल्कुल उड़ाओ, क्यों ना उड़ाए जब पैसा इतना है कि पता है कि यहाँ पैसा उड़ रहा है उससे पहले वहाँ पर इंटरेस्ट से और ग्रो हो रहा है, तो वही वाली बात है ना कि यहाँ खर्च हुए हैं 1 करोड़ वहाँ बन गए 2 करोड़, फिर उनको टेंशन वाली बात नहीं है, वो दुखते नहीं है। लेकिन वही बात है, सीरियसली अगर सलूट करा जाए तो इन लोग, इनके पेरेंट्स को सलूट है भाई जो इन्होंने मेहनत करी अपने अपने फील्ड के अंदर, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा होगा ना कि आज मेहनत कर रहा हूँ तो कल मेरे पास ये चीज़ें होंगी, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचते हो मुझे कुछ बनना है, आप ही नहीं बता लगा आज बैठे अरे मैं आज इतना काम करता हूँ तो कल मेरे पास 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ होंगे, वो चीज़ आप नहीं डिसाइड कर सकते, डेस्टिनी तो अपने आप ही लेके जाएगी, पूछा लें आपकी मेहनत उसके साथ रंग लाती है। वीडियो कैसे लगी बताएं जरूर, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय, हैव गुड डे, टेक केयर।